नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार वैष्णव आज आपके सामने राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी हो चाहे राजस्थान कांस्टेबल हो। तो इसके मैं महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो लो लेवल के भी हैं, मीडियम के भी और हाई लेवल के, तीनों लेवल के मैंने मिक्स किए हैं। अगर आप 15 में से 10+ कर स्कोरिंग करते हो तो फिर आपकी तैयारी अच्छी है। तो देखते हैं आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? मंडोर अभिलेख, नाडोल अभिलेख, नागदा अभिलेख या गटियाला अभिलेख? इसका उत्तर क्या होगा बताइए। इसका उत्तर होगा बताइए कौन सा होगा उत्तर इसका। इसका उत्तर होगा गटियाला अभिलेख। कौन सा उत्तर होगा? गटियाला अभिलेख। गटियाला अभिलेख कब का है? तो सर ये 861 ईस्वी का है। कब का है? 861 ईस्वी का गटियाला अभिलेख। ओके सर, 861 ईस्वी का है। और कहाँ का है? तो ये जोधपुर का है। कहाँ का है? जोधपुर का। तो 861 ईस्वी का गटियाला अभिलेख जोधपुर के पास गटियाला में माता की साल नामक जैन मंदिर के एक स्तंभ के दो पार्श्वों पर उत्कीर्ण में मिला है। इसमें प्रतिहार नरेश कक्कू की जानकारी मिलती है। कौन से राजा की? कक्कूक। प्रतिहार नरेश कक्कूक। प्रतिहार नरेश कक्कू की जानकारी मिलती है। ओके, प्रतिहार नरेश कक्कू की जानकारी इसके अंदर मिलती है हमें। और इस अभिलेख का रचयिता कौन है? इसको लिखा किसने था? तो इसके रचयिता दो नाम आते हैं, एक था मग, मेन नाम इसका ये है मग। इसका रचयिता कौन था? मग। ओके, इसका रचयिता था मग। और फिर इसका सो उत्कीर्ण करता कौन था जिसने ऊपर लिखा था? तो वो था कृष्णेश्वर। कौन था? कृष्णेश्वर। इसका उत्कीर्ण करता कौन था? कृष्णेश्वर। तो वापस मैं रिपीट करता हूँ, जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा? गटियाला अभिलेख। कब इसको लिखा गया? तो 861 ईस्वी में। 861 ईस्वी में, जो कहाँ का है? जोधपुर का है। और माता की साल नामक जैन मंदिर के पास ये दो पार्श्वों पर हमें उत्कीर्ण मिला है। इसमें प्रतिहार नरेश कक्कू की जानकारी मिलती है। किसकी? कक्कू की जानकारी मिलती है, ठीक है। और इसके अभिलेख का रचयिता कौन है? तो मग है रचयिता। और इसका उत्कीर्णकर्ता कौन है? तो उत्कीर्णकर्ता नाम है कृष्णेश्वर। कौन है? कृष्णेश्वर। ओके, मेरे ख्याल से आ गया होगा आपको समझ में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ग्वालियर अभिलेखों में मल्लेच्छों का नाशक किसे कहा गया? ग्वालियर अभिलेख में मल्लेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? विग्रहराज चतुर्थ, विमल शाह, नागभट्ट या फिर मिहिर बोच? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर क्या होना चाहिए? इसका उत्तर होगा नागभट्ट प्रथम। कौन होगा? नागभट्ट प्रथम। ओके, गुजर प्रत्यार वंश के शासक नागभट्ट प्रथम, जिसका शासनकाल कब से कब तक आता है? 730 से 756 ईस्वी। 730 से 756 ईस्वी का शासनकाल माना जाता है। ओके, ठीक है। तो यह एक पराक्रमी शासक था और ग्वालियर अभिलेख के अनुसार उसने एक शक्तिशाली मल्लेच्छ शासक की विशाल सेना को नष्ट कर दिया था। तो इस प्रकार नागभट्ट प्रथम ने अरबों के आक्रमण से, किसके आक्रमण से? अरबों के आक्रमण से, अरब जाति थी, अरबों के आक्रमण से भारत की रक्षा की तथा बड़ोच तक, कहां तक? बड़ोच तक। बड़ोच कहां था? गुजरात के अंदर। तो बड़ोच, बड़ोच तक उसने अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया, राज्य कार्य वहां तक उसने फैला दिया था। तो ग्वालियर अभिलेखों के अनुसार इसका उत्तर क्या होगा? ग्वालियर अभिलेखों में मल्लेच्छों का नाशक किसे कहा गया? नागभट्ट प्रथम। ओके, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हटुंदी अजमेर में 1945 में महिला शिक्षा सदन की स्थापना किसने की थी? ठीक है, कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी ने, कर्पूर चंद पाटनी ने, हरिभा उपाध्याय ने या फिर ज्वाला प्रसाद शर्मा ने? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? हटुंदी अजमेर में 1945 में महिला शिक्षा सदन की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा जी हरिभा उपाध्याय। कौन होगा? हरिभा उपाध्याय। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सार्वजनिक स्वयंसेवी शिक्षण संस्थाएं बहुत सारी स्थापित की गई थी। तो 1927 के अंदर, 1927 के अंदर हटुंदी के अंदर ही मैं गांधी आश्रम की स्थापना की थी। क्या नाम किया था पहले? था इसका गांधी आश्रम। इसका नाम पहले क्या था जी भैया? गांधी आश्रम। इसका पहले नाम था गांधी आश्रम। ओके, तो गांधी आश्रम नाम से इसकी स्थापना 1927 में की गई थी, ठीक है। फिर 1945 में हरिभा उपाध्याय की मदद से ये महिला शिक्षा सदन बन गया। 1945 में हरिभा उपाध्याय की मदद से क्या नाम बन गया इसका? महिला शिक्षा सदन, ठीक है। वरना 1927 में किस नाम से की गई थी स्थापना? तो गांधी आश्रम। किस नाम से की गई थी? गांधी आश्रम। ओके, ठीक है, आगे होगा मेरे ख्याल से समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, गुरु गोविंद गिरी के भगत आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? गुरु गोविंद गिरी ने जो भगत आंदोलन चलाया था, है ना, उसका उद्देश्य क्या था? तो ए, भीलों में नव चेतना व जागृति उत्पन्न करना। बी, भील समाज में व्याप्त कुरीतियों व बुराइयों को दूर करना। सी, भील समाज को संगठित कर अन्याय का मुकाबला करने हेतु तैयार करना। या फिर डी, उपरोक्त सभी। वैसे नॉर्मली कंपटीशन में उपरोक्त सभी उत्तर आता नहीं है, लेकिन आपको आ जाएगा इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी आते थे, भीलों में नव चेतना जागृति उत्पन्न करना, भील समाज में व्याप्त कुरीतियों बुराई को दूर करना और भील समाज को संगठित कर अन्याय का मुकाबला करने हेतु तैयार करना। ये सभी इसके उत्तर आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं गुरु गोविंद गिरी, ठीक है।
तो गुरु गोविंद गिरी ने जनजातियों में व्याप्त बुराइयों व कुरूतियों को दूर करने के लिए भगत आंदोलन, कौन सा आंदोलन चलाया था? भगत आंदोलन व स्वदेशी आंदोलन चलाया था। और कौन सा आंदोलन चलाया था? स्वदेशी, यानी स्वदेशी को अपनाओ विदेशी को त्यागो, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन इन्होंने चलाया था, ठीक है। इस आंदोलन से गोविंद गिरी ने भीलों को उनके अधिकारों के लिए जागृत करने का प्रयास किया और भीलों को हिंदू धर्म के दायरे में बनाए रखने के लिए भगत पंथ की स्थापना की थी। तो बहुत बार प्रश्न भी सीधा सीधा पूछा गया कि भगत आंदोलन किसने चलाया था, तो गुरु गोविंद गिरी। कहाँ के थे ये? बांसवाड़ा के थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? उदयपुर व जोधपुर स्टेट के, कोटा व बूंदी के, बीकानेर एवं जोधपुर स्टेट के, या फिर पश्चिमी राजपूत स्टेट के? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान के इतिहास के भीष्म पितामह जिन्हें हम कहते हैं, ये कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? इसका उत्तर होगा पश्चिमी राजपूत स्टेट। अगर आपको याद हो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे वैसे मुख्यतः, है ना, तो पश्चिमी राजपूत स्टेट इसका उत्तर होगा। कर्नल जेम्स टोड जी जो 1798 में सैनिक अधिकारी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में लगे थे, कब? 1798 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में लगे थे, ठीक है, सैनिक के रूप में। फिर 1818 से 1822 ईस्वी तक कर्नल जेम्स टोड दक्षिणी पश्चिमी राजपूताने के रेजिडेंट पद पर मेवाड़ और हाड़ौती क्षेत्रों में नियुक्त किए गए थे। कहाँ कहाँ? मेवाड़ और हाड़ौती क्षेत्रों में, एक तो मेवाड़ और एक हाड़ौती, कोटा मुंदी बारा झालावाड़ है ना, मेवाड़ व हाड़ौती क्षेत्रों में, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पश्चिमी राजपूत स्टेट। क्या होगा? पश्चिमी राजपूत स्टेट। कर्नल जेम्स टोड जिसे हमें राजस्थान इतिहास का भीष्म पितामह भी हम कहते हैं, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान किताब इनकी है, एक द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया वो किताब भी इनकी है, तो इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सरल प्रश्न ही है लेकिन बहुत बार प्रश्न पूछा गया, चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, ये प्रश्न बहुत बार आया है। मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने किस इतिहासकार को कवि राजा की उपाधि से विभूषित किया? दशरथ शर्मा, श्यामल दास, रामकृष्ण असोपा, सूर्यमल मिश्रण। कवि राजा की उपाधि से किसे विभूषित किया बताइए सज्जन सिंह ने? इसका उत्तर होगा श्यामल दास, सॉरी इसका उत्तर क्या होगा? श्यामल दास। इसका उत्तर होगा श्यामल दास। आपने पढ़ा होगा, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। देखो कवि राजा श्यामल दास ने किताब लिखी थी, ग्रंथ लिखा था, बहुत फेमस ग्रंथ है, उसका नाम है वीर विनोद। क्या नाम है? वीर विनोद, ठीक है। तो वीर विनोद इन्होंने लिखी थी, श्यामल दास ने वीर विनोद लिखी थी, ठीक है, ये फेमस नाम है इनका। फिर इनके बारे में अलग से हम बात करेंगे, सर और क्या क्या खास बात है इनके बारे में? तो देखिए उदयपुर राज्य के इतिहास की जानकारी इस वीर विनोद ग्रंथ से हमें मिलती है, ठीक है। भारत की ब्रिटिश सरकार ने श्यामल दास को केसरे हिंद किया था, ब्रिटिश सरकार थी अंग्रेजों ने किसकी उपाधि दी? केसरे हिंद की श्यामल दास को, ओके, ये आपको याद करना, केसरे हिंद की उपाधि दी थी, ठीक है। और इन्हें महामहोपाध्याय, ये नाम भी पूछा गया, महामहोपाध्याय भी इनको उपाधि दी गई है, ठीक है, किसको? श्यामल दास को। तो मेवाड़ के पॉलिटिकल, ये मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के कार्यकाल में थे, कवि थे प्रसिद्ध, और कोडी क्षेत्र के ढोकलिया गांव में इनका जन्म हुआ था, ढोकलिया कोडी क्षेत्र का गांव है वहां के ये निवासी थे मूलतः, ठीक है। तो श्यामल दास, इनके बारे में जानकारी आपको होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, कालीबंगा सभ्यता के काल में लोग कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे? कालीबंगा सभ्यता काल में लोग कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे? देवनागरी, सैंधव, अरबी या खरोष्टी? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देवनागरी, सैंधव, अरबी और खरोष्टी, क्या उत्तर होगा इसका? इसका सही उत्तर होगा सैंधव। क्या होगा? सैंधव। क्या होगा इसका सही उत्तर? सैंधव उत्तर होगा, ओके। देखिए जैसे लिखाने की कोई आवश्यकता है नहीं, देखिए ये लिपि सैंधव लिपि की तरह दाई से बाई ओर लिखी गई है, यानी दाई से बाई ओर, है ना, इधर से इधर की ओर, राइट से लेफ्ट की ओर लिखी गई, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे लिखी गई है, तो दाएं से बाईं ओर की ओर लिखी गई है ये लिपि, इसलिए इसे सैंधव लिपि कहते हैं, ठीक है। इतने आपको याद करना है, कालीबंगा सभ्यता के लोग कौन सी लिपि प्रयोग करते थे? तो सैंधव लिपि का प्रयोग करते थे, ओके। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से मिली हैं? बताइए गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से मिली है? वनस्थली, टोंक, बयाना, भरतपुर, बस्सी, जयपुर या फिर रिंगस, सीकर? क्या होगा इसका उत्तर बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा बयाना, भरतपुर। क्या होगा? बयाना, भरतपुर, ठीक है। देखो भरतपुर जिले के नगला गांव पड़ता बयाना भरतपुर में, कौन सा गांव? नगला, ठीक है, नगला, तो नगला गांव बयाना भरतपुर ये गांव पड़ता है, तो इस गांव से 1800 गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं मिली, कितनी? 1800 गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं मिली, 1800, ओके, 1800 लगभग स्वर्ण मुद्राएं इससे मिली हैं, जिनमें सर्वाधिक सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के काल के हैं। कौन से, किसके काल है? चंद्रगुप्त द्वितीय, किसके काल के?
चंद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का शासक था, चंद्रगुप्त सेकंड है ना, चंद्रगुप्त सेकंड के काल के इसमें मिले सर्वाधिक सिक्के। तो कहां से मिले? राजस्थान में, बयाना, भरतपुर से। ठीक है, राजस्थान संदर्भ में याद होना चाहिए आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए थे? इंडो ग्रीक शासकों द्वारा, मिनेंडर द्वारा, कनिष्क द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा, बताइए। इसमें अधिकांश विद्यार्थी गलती करेंगे, इंडो ग्रीक, मिनेंडर, कनिष्क और समुद्रगुप्त। क्या होगा सही उत्तर इसका? देखिए प्रश्न पूछ रहा, भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम चलाए थे, तो सर्वप्रथम चलाए थे इंडो ग्रीक शासकों ने। किसने चलाए थे? इंडो ग्रीक शासकों ने, जिन्हें हम हिंद यमन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंद और यमन, हिंद यमन कहते हैं। ठीक है, तो हिंद यमन शासकों द्वारा जारी किए गए थे ये सिक्के। चौथी से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व है ना, चौथी से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व बीसी है ना, चौथी से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, जिनमें भारत में सीसी व पोटिन के सिक्के सातवां शासकों ने चलाए थे। ठीक है, सीसी व पोटीन, सीसी व पोटीन, पोटीन के सिक्के किसने चलाए थे? सातवाहन शासक, इंडियन हिस्ट्री में आता है, सातवाहन शासकों ने चलाए थे, सातवाहन शासकों ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, देखो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ जाएगा वैसे आपको ये। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, धान्यागार या अन्नागार, स्तंभ हॉल और दो मंजिला मकान। इसका उत्तर क्या होगा बताइए? इसका उत्तर होगा धान्यागार या अन्नागार, धान्यागार या अन्नागार। क्या उत्तर होगा? धान्यागार या अन्नागार। देखो मोहनजोदड़ो का धान्यागार कितना लंबा था? 45 से 15, 45 मीटर तो लंबा था और 15 मीटर चौड़ा था। लगभग अलग अलग किताबों में अलग अलग था, लेकिन 45 x 15 आपको याद करना। तो 45 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा था। ओके ठीक है, आगे हम बात करें तो वहां का सबसे बड़ा भवन यही था अन्नागार। ओके, और मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11 x 7 थी। स्नानागार की हम बात करें तो इसकी लंबाई 11 x 7 थी, 11 x 7 इसकी थी उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, 11 x 7 थी। ओके, तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा भवन था धान्यागार या अन्नागार। ओके, अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? गया, सारनाथ, पाटलिपुत्र या फिर वैशाली, बताइए क्या उत्तर होगा इसका? इसका उत्तर होगा सारनाथ। कहाँ हो, क्या होगा? सारनाथ। देखो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ के ऋषिपत्नम में दिया था। कहाँ था दिया था? सारनाथ के ऋषिपत्नम, ऋषिपत्नम है ना, टेन आएगा तय आएगा, सारनाथ के ऋषिपत्नम, सारनाथ के ऋषि पत्नम में दिया था। ठीक है, यह गौतम बुद्ध का पहला उपदेश था। ठीक है, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में क्या नाम किया गया है? धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया इसे? धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म आपने पढ़ा होगा, धर्म में अलग अलग चीजें आती हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन इसे कहा गया है। ठीक है, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में सर्वाधिक दिए थे या कौन सी भाषा में दिए थे, ये प्रश्न पूछा गया, तो पाली। कौन सी भाषा? पाली। ओके, पाली, पाली अपना जिला भी पढ़ता है वैसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आता होगा आपको। देखिए अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? अशोक, सम्राट अशोक की हम बात कर रहे हैं, तो किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त, बृहदत्त, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा उपगुप्त। क्या उत्तर होगा? उपगुप्त। सम्राट अशोक ने उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। देखिए सीली अनुश्रुति यानी श्रीलंका के दो ग्रंथ हैं, दीपवंश और महावंश, नाम सुना होगा आपने, दीपवंश और महावंश, दीपवंश और महावंश। उन ग्रंथों के अंदर कहा गया है कि अशोक उसके शासन के चौथे वर्ष, कौन से वर्ष? चौथे वर्ष, चौथे वर्ष निग्रोत नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म से दीक्षित किया था। वो दिव्यदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त को देता है। किसको देता है? उपगुप्त। तो आपको इसमें उत्तर क्या देगा? उपगुप्त। तो इसका उत्तर क्या होगा? उपगुप्त। ओके, इसका उत्तर क्या होगा? उपगुप्त। वरना आपको ऑप्शन नहीं हो तो फिर निर्ग्रोत, ये नाम भी मिलता है बहुत सारी किताबों में, निर्ग्रोत है ना, निर्ग्रोत, ठीक है, ये नाम ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन आपने ऑप्शन किया उपगुप्त, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपगुप्त। क्वेश्चन नंबर 13, कुषाण काल में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जानते हैं? कुषाण काल की बात करें, इंडियन हिस्ट्री की है ना, कुषाण कला, फारसी कला, गांधार कला या मुगल कला, उत्तर दीजिए क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर क्या होगा? कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम जानते हैं? इसका सही उत्तर होगा गांधार कला। क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर सी, गांधार कला। देखिए गांधार कला कुषाण काल में विकसित हुई थी, गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी और रोमन की थी। कला शैली कैसी थी? यूनानी व रोमन की थी, यह बात आपको ध्यान रखनी, यूनानी व रोमन की थी, इसलिए गांधार कला को ग्रीको रोमन या ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंदू यूनानी कला भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? गांधार कला। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें, सर और अमू नदियां कहाँ गिरती हैं?
सर और अमुन नदियां कहाँ गिरती हैं? कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर या फिर अरल सागर? कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, अरल सागर। इसका उत्तर क्या होगा? अरल सागर। क्या उत्तर होगा? अरल सागर। देखिए अरल सागर कहाँ पर है? ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, दो देश है ना, कजाकिस्तान, इन दोनों की सीमा पर है। कौन है? अरल सागर। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 15, अंतिम क्वेश्चन अपना। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? जूरा, पायरेनेस या पिरेनिज, कार्पेंथियस और काकेसास। जूरा, पायरेनेस या पिरेनिज, कार्पेंथियंस और काकेसास। इसका उत्तर क्या होगा बताइए? इसका उत्तर होगा पायरेनेस या पिरेनिज। देखिए दक्षिणी पश्चिम में स्थित पायरेनेस फ्रांस स्पेन पर, स्पेन और फ्रांस के मध्य प्राकृतिक रेखा सदृश बनाकर इनको दोनों को विभक्त करता है, फ्रांस और स्पेन को। ठीक है, दक्षिण पूर्व में स्थित पहाड़ी क्षेत्र इटली के साथ प्राकृतिक सीमा रेखा का निर्माण करता है। पूर्व में निचला जूरा क्षेत्र स्विट्जरलैंड के साथ प्राकृतिक सीमा रेखा निर्मित करते हैं तथा वोंस गेज पर्वत पेरिस संग्रहण क्षेत्र को राहन घाटी से पृथक करते हैं। किससे? राहन घाटी से पृथक करते हैं। तो इतना टाइम आपको नहीं जाना, इसका सही उत्तर क्या होगा आपको याद करना, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो पायरेनेस या पिरेनिज। ठीक है, अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपने कि कितने उत्तर इसमें से सही निकले हैं और प्रश्नों का लेवल कैसा आपको लगा। ठीक है, धन्यवाद।